दोस्तों फेसबुक का इस्तेमाल तो आप सभी लोग ज़रूर करते होंगे, लेकिन ऐसे में फेसबुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड लॉगिन। इस फीचर के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज़ है। इसकी मदद से आप अपने अकाउंट में पता लगा सकते हैं कि किसी ने आपका अकाउंट हैक तो नहीं करा, या फिर आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है फिलहाल अभी किस किस मोबाइल में लॉगिन है और कौन कौन आपका अकाउंट चला रहा है। वेल, ये ऑप्शन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर है, ये सब जानने के लिए डिटेल्स में इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। फेसबुक के सिक्योरिटी एंड लॉगिन का जो सबसे पहला फीचर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जिसका नाम है वेयर यू आर लॉग्ड इन। वेल, इस फीचर की मदद से यानी इस ऑप्शन की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है फिलहाल किस किस मोबाइल में लॉग इन है यानी एक्टिव है, यानी किस किस मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है अब तक किस किस मोबाइल में कब कब एक्टिव था, कब कब लॉगिन किया हुआ, ये सारी डिटेल्स आप आसानी से वेयर यू आर लॉगिन ऑप्शन के अंदर पा सकते हैं। करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग्स का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेयर यू आर लॉग इन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो मोबाइल है यानी आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो इस मोबाइल के अंदर एक्टिव है। तो आपको और लॉगिन देखने के लिए यहाँ पे सिंपली सी मोर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही एक एक्टिव नाउ दिखाई देगा, जिसका मतलब यह है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है फिलहाल इस मोबाइल के अंदर एक्टिव है, और ये आपको लोकेशन भी बता देगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो किस किस डिवाइस के अंदर लॉगिन हुआ था और कब हुआ था। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है जितने भी डिवाइस में लॉगिन है यानी वहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ से आप लॉग आउट करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पर लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन पे क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट फीचर आता है जिसका नाम है गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकग्नाइज्ड लॉगिन। वेल, इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके यानी टर्न ऑन करके आप ये पता लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट है कोई दूसरे कंट्री या फिर स्टेट से लॉग इन करने की कोशिश करता है जो कि एक अनरिकग्नाइज्ड यानी ऐसा लोकेशन है जहाँ पर आप कभी नहीं गए और वहाँ पर उस अकाउंट को लॉग इन करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में फेसबुक आपको एक ईमेल कर देगा या फिर मैसेज कर देगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो इस जगह पे लॉग इन हुआ है। इसके अलावा अगर आप किसी मोबाइल ब्राउजर या फिर कंप्यूटर ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग इन करते हो तो ऐसे में फेसबुक आपको बता देगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो इस ब्राउजर के अंदर या फिर इस मोबाइल ब्राउजर के अंदर लॉग इन हुआ है। तो बेसिकली ये फीचर आपकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है कि कहीं आपका जो अकाउंट है कोई दूसरा तो लॉग इन नहीं कर रहा बिना आपकी परमिशन के। तो इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सेम आपको फेसबुक के अकाउंट सेटिंग्स पर जाना और सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक करना, इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको ये बेसिकली जो दो ऑप्शन दे रखे हैं लॉगिन इन योर प्रोफाइल का, इस ऑप्शन का इस्तेमाल बेसिकली आप कर सकते हैं। जब आप फेसबुक लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आप प्रोफाइल पे क्लिक करके अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो सिंपली चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके अपना फेसबुक पासवर्ड चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर का जिसका नाम है गेट अलर्ट्स अनरिकग्नाइज्ड लॉगिन। इस ऑप्शन की बात हम कर रहे थे, तो अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हो कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ पर मिले, आप फेसबुक नोटिफिकेशन चाहते हो तो सिंपली फेसबुक पे क्लिक करके यहाँ पर गेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो ईमेल के थ्रू आए तो आप ईमेल पे क्लिक करके ईमेल की नोटिफिकेशन पा सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसके अलावा अगर आप मैसेंजर पे चाहते हो कोई मैसेज आए जो भी आपका अनरिकग्नाइज्ड लॉगिन हुआ है तो आप मैसेंजर पे क्लिक करके उसे यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं, यानी गेट नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करके सेव करके इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है जिसका नाम है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वेल, ये फीचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से आप अपने फेसबुक अकाउंट को और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं और हैक होने से बचा सकते हैं। वेल, ये फीचर थोड़ा डेंजर भी है, अगर आप इस फीचर को एक्टिवेट कर लेते हैं यानी ऑन कर लेते हैं तो
उसके बाद जब भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को किसी भी मोबाइल ऐप या फिर फेसबुक ब्राउजर पे जाके लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपसे ये एक OTP कोड मांगेगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जाएगा जो भी आपने फेसबुक में डाला है। तो अगर आपके पास वो OTP कोड है तो ऐसे में आप फेसबुक लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास वो OTP कोड नहीं है या फिर आपको किसी भी तरह का OTP कोड नहीं आता है तो ऐसे में फेसबुक में लॉगिन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस फीचर को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। तो इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सेम आपको फेसबुक के अकाउंट सेटिंग पे जाना है और सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड है फेसबुक वो डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि सिक्योरिटी की, ऐप पासवर्ड। तो अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट पे सिक्योरिटी की लगाना चाहते हैं, NFC की लगाना चाहते हैं या फिर एक USP को एक सिक्योरिटी की बनाना चाहते हैं जिसकी मदद से आप लॉगिन कर सके तो ऐसे में आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर NFC ऐड कर सकते हो या फिर ऐड सिक्योरिटी पे क्लिक करके जो भी NFC है या फिर USB है वो ऐड कर सकते हैं अपना फेसबुक पासवर्ड डाल के। इसके बाद आपको यहाँ पर और कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि हो गया ऐप पासवर्ड, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर या फिर ऑथराइज लॉगिन। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है जिसका नाम है चूज 3 to 5 फ्रेंड्स। वेल, इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं मान लीजिए अगर आपका फेसबुक अकाउंट कभी हैक हो जाए या फिर आप अपना फेसबुक पासवर्ड भूल गए और रीसेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आप अपने फेसबुक अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो ऐसे कंडीशन में आप इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके अंदर अपने 3, 4 या फिर 5 फ्रेंड को ऐड करके ये भरोसा दिला सकते हैं या फिर उन ट्रस्टेड फ्रेंड को ऐड कर सकते हो ताकि बाद में अगर आपके फेसबुक अकाउंट पे कोई दिक्कत आए, कोई लॉगिन करने में प्रॉब्लम आए तो ऐसे में आप इन फ्रेंड से कांटेक्ट करके अपने फेसबुक अकाउंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए सेम आपको फेसबुक अकाउंट सेटिंग्स पर जाना और सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा Choose 3 to 5 friends to contact if you are logged out। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर चूज ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो आप अच्छे से पढ़ ले। तो जैसे आप चूज ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपने ट्रस्टेड फ्रेंड का नाम टाइप कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं और उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली डन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका जो फेसबुक कॉन्टैक्ट है, जो भी ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है जिसका नाम है सेफ ब्राउजिंग। वेल, ये ऑप्शन आपके फेसबुक अकाउंट में बाय डिफॉल्ट यानी पहले से ही एक्टिवेट होता है, आपको इसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। वेल, इस ऑप्शन की मदद से आप पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको फेसबुक पर कोई ऐसा लिंक मिल जाता है या फिर कोई ऐसा वेबसाइट मिल जाता है जिस पर आप क्लिक करते हो और वो वेबसाइट हार्मफुल हो या फिर सेफ नहीं हो तो ऐसे में फेसबुक आपको एक अलर्ट कर देगा या फिर मैसेज देगा कि ये वेबसाइट डेंजर है, सेफ नहीं है। तो बेसिकली इस ऑप्शन का यही इस्तेमाल है। तो दोस्तों ये थे फेसबुक के सिक्योरिटी एंड लॉगिन के इंपॉर्टेंट फीचर। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है और इनका बेसिकली क्या यूज है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस यार इस वीडियो को सकता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बनकर कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लिए